आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लेके आए हैं। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज और बहुत ही ज़्यादा कमेंट आने के कारण क्या है इस वीडियो को लेके आए। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जी हमारे लिए क्या स्क्वाड ट्रैक और बाइक निकालने की ट्रिक ले आई, मतलब बाइक कैसे निकालने इसकी एक ट्रिक लेके आई है। तो आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आप लोगों के लिए क्या आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आए हैं और इसको क्लास भी समझ ली। यह वीडियो आपका क्या है 20 मिनट का होने वाला और 20 मिनट के द्वारा हम आपको क्या है 1 से लेके क्या है 10,000 तक के हम आपको बाइक निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ऐसी यहाँ से ट्रिक लेके आए कि पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। देखिए ये वाला ट्रिक क्या है, ये वाला स्क्वाड ट्रिक है जो सीखने के बाद जो आपके पास कैलकुलेटर होता है उसको फेंक देंगे आप, क्या जो कैलकुलेटर उसको भी फेंक देंगे, यानी जो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर मतलब कुछ क्षण के लिए कुछ देर के लिए आपके मोबाइल को भी अपने पास से उसको फेंक दोगे कि इस मोबाइल का यूज नहीं है, हम क्या मौके तौर से भी इसके क्या इसका निकाल सकते हैं। और जो दूध पी रहा बच्चा है वो भी इसको सीख जाएगा, तो दूध पी रहा बच्चा वो भी सीख जाएगा। या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोगों के लिए वीडियो सफिशियंट है, आप क्या कॉलेज में है तो आप लोगों के लिए वीडियो सफिशियंट है, या आप या किसी भी क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए कक्षा 1 में कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक भी आप क्या किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप लोगों के लिए क्या है दोस्त यह वीडियो सफिशियंट होने वाला है। और आप क्या अपने टीचर को क्या अपने सामने बता सकते हो सर इसका स्कोर ये होगा, अपने दोस्तों को बता सकते हो, अपने जितने भी आपके संबंध हैं उनको भी आप आसान तरीके से क्या शॉर्ट ट्रिक बता सकते हो। ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास के वीडियो को शेयर कर देना। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास खत्म होने के बात क्या है वीडियो खत्म होने के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हमारी ये ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए भाई हम बात करते हैं, देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बेसिक तौर पर जो आपको याद होना चाहिए उनको हम याद करा। जैसे हम बात करेंगे सर 1 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 4 का स्क्वायर होता है हमारा कितना तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, कितना होता है 25 होता है, ठीक सर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, कितना होता है 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको 81 होता है, कितना होता है 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त आपका 121 होता है, कितना होता है 121 होता है, 121 होता है। आप कहोगे सर 121 नहीं होता है, यही तो हम आपको देखना चाह रहे थे कितने लोग 121 कहना चाहते हैं, होता है आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है 100। तो देखिए आप कहोगे सर इतना तो हमको याद है, आप क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो आपने इतना तो आप लोग याद रखते हो, यानी आपको क्या है 1 से लेकर 20 तक तो आपको मौके तौर पर याद होना ही चाहिए। तो अभी हमको 10 तक बता रहे हैं, आगे चल के अभी आगे चलेंगे तो हमको 11 से स्टार्ट कराएंगे। और जैसे आप लोग कहोगे सर हम इतना तो बचपन में सीख लिए हैं आप क्यों बता रहे हो, ट्रिक बताइए ना, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक बताइए। ट्रिक की बात करेंगे तो मेरे दोस्त आपको क्या है टाइप नंबर 1 डाल लेना, क्या आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे टाइप 1, क्या डालेंगे टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या होता है जिसका इकाई अंक दोस्त क्या है जिसका इकाई अंक क्या है जिसका इकाई अंक 0 या 0 हो, क्या 0 या 0 हो तो उसके लिए ट्रिक क्या है। देखिए जैसे हम बात करेंगे आप उसे जल्दी से बताइए हमको क्या है इंतजार नहीं होता दोस्त, इंतजार करना पड़ता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, क्या है कुछ इंतजार भी करना सीखिए। ठीक है जैसे कि देखिए आपको क्वेश्चन पे देखिए बात करेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या है अभी आपको बताया 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आपको इतना तो हमको याद रखिए ट्रिक बताइए। ट्रिक क्या होती है देखिए लास्ट में 0 दे रखा है जिसका मतलब जो भी अंक दे रखा है जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर निकाल रहा हो लेकिन उसका इकाई अंक क्या हो 0 हो तो आपको करना 0 को करना है स्क्वायर करना है 0 उसको मतलब 1 0 को क्या 2 बार लिखना है 2 बार लिख देना 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है। जैसे अभी क्लियर नहीं होगा आगे चलते जैसे हम कहेंगे 20 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर क्या होता है आपको 0 यानी 2 बार 0 लिखेंगे, ठीक है 2 का स्क्वायर कितना होता है आपको 20 का स्क्वायर 400 होता है, क्लियर है आपको सर क्लियर। देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एक बार फिर से करेंगे 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर फिर यहाँ पर करेंगे हम 30 का स्क्वायर फिर हम सीखेंगे 40 का स्क्वायर फिर हम सीखेंगे 50 का स्क्वायर फिर हम सीखेंगे यहाँ पर 60 का स्क्वायर। आप कहोगे सर हमको बताइए जल्दी से, देखिए अभी हमने क्या बताया आप कहोगे सर अभी आपने क्या बताया 0 दे रखा है काई है 0 0 का स्क्वायर क्या करना है 2 बार 0 लिखना है 1 का स्क्वायर 1 होता है यहाँ पर भी 0 दे रखें 2 बार 0 2 का स्क्वायर 4 होता है यहाँ पर भी 0 यानी 2 बार 0 3 का स्क्वायर 9 होता है 9 होता है, ठीक 40 यानी 0 दे रखें 2 बार 0 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है 50 यानी 0 देखने 0 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक
60 यानी 0 0 6 का स्क्वायर 36। एक बार क्या करेंगे सभी मित्र, जो आपके पास मोबाइल है वीडियो कहीं पर रोक दीजिए, स्किप कर दीजिए और कैलकुलेटर में जाके आपको क्या करना है 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर मतलब क्या है 60 का दो बार गुणा करना है, 60 गुणा 60 आपके पास आंसर ही आएगा। तो आप लोग कहना अगर हो सकता है कि हमारी ट्रैक है आपके वहाँ पर क्या फॉलो ना करें तो आप वहाँ पर क्या कहोगे सर आपको मतलब आप सही नहीं बता, एक बार चेक जरूर करते चलेंगे, क्या चेक जरूर करते आपको क्या बिलीव हो जाएगा दोस्त, क्या आपको विश्वास हो जाएगा हम आपको ट्रैक वही बता रहे जो आपके बिल्कुल आपके क्या यहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आप कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर आगे चलिए और आगे बताइए हमको। देखिए हमने क्या है आपको 70 तक बात हो गई थी, अब हम 80 मतलब 80 का स्क्वायर क्या होता है और 90 का स्क्वायर क्या होता है, बात करेंगे कि 100 का स्क्वायर कितना हो, यहाँ तक याद करेंगे ठीक है सर। हम आगे चलेंगे, अभी टेंशन मत कीजिए, अभी बहुत आगे चलना है, अभी हम आपको क्या है 1 से लेकर 10 तक 10,000 तक हम आपको बताएंगे कि 10,000 तक हम स्क्वायर कैसे निकालें दोस्त, ठीक है। नहीं 80 का दे रखें 0 का दे क्या करना है 0 को दो बार लिख देना, 8 का स्क्वायर कितना होता है अभी आपको बताया 64 होता है, 90 यानी 0 देखिए लास्ट में तो 0, 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ पर देखिए 100 दे रखा है आपको उसे ठीक 100 दे रखा है, या तो इसको दो तरीके से करिए, देखिए इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, मतलब 0 को दो बार लिखेंगे ठीक है, दो बार लिख देंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ए हमारा क्या होता है दोस्त, आप कहोगे सर ए हमारा 100 का स्क्वायर होता है कितना, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। देखिए क्लियर है, यानी हमने अभी तक क्या बता दिया आपको 10 से अभी तक आपने हमको कहाँ तक याद करा दिए, यानी हम पर बात करेंगे कि 1 से 100 तक हमने स्क्वायर याद कर लिया, 1 से लेकर 100 तक हमने स्क्वायर आसान तरीके से और कम समय में हमने यहाँ पर याद कर लिया ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने से मेरे भाई हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अब हमको देखिए 11 का स्क्वायर आना चाहिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको सिर्फ 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है आपको सिर्फ 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको सिर्फ 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपको 14 का स्क्वायर होता है 196 कितना होता है 196 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको सिर्फ 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपको 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 होता है ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289 होता है कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर भाई आपका होता है 324 होता है कितना 324 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है आपको 19 का स्क्वायर होता है हमारा 381 होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है आपको 20 का स्क्वायर होता है हमारा कितना होता है आपको 20 का स्क्वायर होता है 400 कितना होता है 400, इतना तो याद है आपको सर हमको तो याद है नहीं, आप अभी आपने क्या 1 से 10 तक बता दिया था और यहाँ से आपने क्या 11 से 20 तक हमको याद करा दिया, याद कर लिए आपको उसे याद कर लिए। अब देखिए इसको भी आपको ट्रिक द्वारा हम करा सकते हैं, क्या ट्रिक द्वारा कराएंगे आपको उसे ट्रिक बताइए, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आप सारी चीज़ें हमको बता देंगे ना तो आप कल ही क्लास में नहीं आओगे और अभी हम वीडियो देखकर चले जाओगे हाँ सर ने एक ही क्लास में बता दिए, उसी के लिए कह रहे हैं भाई दूसरी क्लास भी देख लेना, दूसरी क्लास में और दूसरी ट्रिक बताएंगे आपको, कई ट्रिक रखी है हमारे पास, बस जुड़ जाइए आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए मेरे लाल। चलिए अब बात करते हैं, देखिए 100 तक हमारी बात हो गई थी हाँ सर, अब बात करेंगे 110 का स्क्वायर कितना होता है, 120 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर बात करेंगे सर 130 का स्क्वायर कितना होता है, 140 का स्क्वायर कितना होता है, 150 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ तक बात कर लेंगे, पहले हम 150 तक हम इसको याद कर लेते क्या 150 तक हम इसको याद करेंगे। देखिए कैसे करेंगे आपको उसे जल्दी से बताइए, देखिए देखिए यहाँ पर दे रखे जीरो आपका जीरो दे रखे का हाँ क्या दो बार जीरो लिख देना ठीक है, 11 का स्क्वायर आपको सिर्फ 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121 होता है, देखिए 120 लास्ट में दो जीरो, 12 का स्क्वायर 144 ठीक है, 130 लास्ट में दो जीरो, 13 का स्क्वायर 169 लास्ट में जीरो यानी दो बार जीरो, 14 का स्क्वायर आपको सर 196, 150 का दो जीरो, 15 का स्क्वायर 225 क्लियर है भाई, याद हो रहे हैं लाल एक बार याद करेंगे सभी लोग। देखिए एक बार क्या करना आपके पास जो मोबाइल है 150 करके देख लेना, आपके पास आंसर अगर यही नहीं आएगा तो मेरे भाई क्या है आप हमारे ऊपर केस कर देना, और क्या करना हमारे इस वीडियो को जो भी हो सके दोस्त आप क्या अपने दोस्तों के पास के बुरे से बुरे कमेंट करा दें दोस्त, अगर आपका इतना ना है दोस्त गारंटी के साथ कह सकते हैं जो पढ़ाते हैं आपको 100 पढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ कोई नहीं पढ़ाते जो आपके एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो ठीक है। चलिए आगे बढ़े 150 तक याद करिए, आप बात करते हैं 160 यानी 160 का स्क्वायर क्या होता है, 170 का स्क्वायर क्या होता है, आगे चलेंगे यानी हम बात करेंगे 180 का स्क्वायर क्या होता है, आगे बात करेंगे 190 का स्क्वायर क्या होता है, आगे बात करेंगे हम 200 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे मेरे लाल आप कहोगे सर 160 का मतलब लास्ट में जीरो यानी दो जीरो तो हमको यहाँ पर लिखना है परमानेंट है, सारों में क्या है 170 दो जीरो लगा देंगे ठीक है सर, दो जीरो हमने यहाँ पर लगा दिए, अब क्या करना है 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपको सर 324, 19 का स्क्वायर 381, 20 का स्क्वायर 400 भाई याद करके बताइए, भूल के बताइए दोस्त अगर भूल जाओगे तो आप मेरे को याद कर लेना हाँ सर नया ट्रिक बताइए, एक बार जल्दी से आप लोग क्या करना गूगल पर जाना और वहाँ पर लिखना ट्रिक की अड्डा बात सुधीर, क्या आपको चैनल का नाम सर्च करना है क्या दोस्त, आपको वहाँ पर जाना चैनल पर और सर्च करना है क्या करना है ट्रिक की अड्डा
बात सुधी, आप जैसे ही क्या स्क्वाड भूलने लगोगे वहाँ पर इस चैनल का सर्च कर लेना, वहाँ पर देख लेना सर का ट्रैक वीडियो, मतलब स्क्वाड ट्रैक वहाँ पर याद हो जाएंगे। ठीक है, आप कहोगे सर 200 तक याद हो गए, अभी आपके क्या 10,000 तक की बात है सर, कैसे याद कराओगे। देखिए भाई, आप कहोगे सर 210 की बात करेंगे, यानी कि 210 की हम बात करते हैं। देखिए आप कहोगे मेरे लाल क्या स्क्रीन पर देखते रहेंगे सभी मित्र, क्या स्क्रीन पर देखते रहेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं कि 210 का स्क्वायर क्या होता है। स्क्रीन पर देखिए, हम जब बात कहते हैं कि 210 का स्क्वायर क्या होता है, 210 का मतलब अभी आपको बताया था, जीरो दे रखा है, जिसका इकाई जीरो दे रखा है उसको दो बार लिख देंगे, जीरो का मतलब दो बार लिखेंगे। ठीक है सर, ये हमारे क्या है, ये हमको दहेज मिले हैं, जीरो को दो बार लिख दिया। ठीक है, अब 21 का आप कहोगे मेरे भाई कि 21 का स्क्वायर हमको आता नहीं, क्या आप कहोगे सर कि 21 का स्क्वायर हमको आता नहीं सर, स्क्वायर कैसे करें, इनके बात करें, आपको 210 की बात करें, 210 का स्क्वायर निकालना है, क्या लास्ट में जीरो दो बार जीरो लिखेंगे, दो बार जीरो। अब आप कहोगे सर 21 का स्क्वायर आता नहीं, अभी हमने क्या बताया था, अभी आप कहोगे ट्रिक बताई थी, क्या देखिए 21 का यानी 21 का मतलब क्या होता है, 21 स्क्वायर, इसको क्या मान लेना आप, बी मान लेना, इसको ए मान लेना, इसका मतलब क्या होता है, ए होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ पर देखिए मेरे लाल क्या इसको आप देखते चलेंगे सभी मित्र, क्या इसको देखिए मेरे भाई, आसान तरीके से इसको देखने की कोशिश करेंगे सभी मित्र। देखिए मेरे भाई स्क्रीन पर देखिए सभी मित्र, देखिए भाई थोड़ा क्या हैंग कर रहा है इसको, थोड़ा सा आप लोग क्या थोड़ा रुकेंगे इसको हम सही कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई थोड़ा एडजस्ट करेंगे आप लोग, हम आपको क्या बता रहे, आप पूछ रहे हमको बता रहे थे आप 110 का स्क्वायर किसका, सॉरी 210 का स्क्वायर बता रहे थे, क्या 210 का स्क्वायर बता रहे थे, क्या बता रहे दोस्त, वन सेकंड रुकना। देखिए 210 की बात करें, 210 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट में एकाएंगे जीरो देंगे, दो जीरो लगाएंगे। ठीक है सर, दो जीरो लगा लिए। ठीक है, 21 का स्क्वायर निकालना है आपको सर, 21 का स्क्वायर आता है इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है, इसको आपको ए मान लेना है, इसको आपको बी मान लेना है, क्या दोस्त आप कहोगे सर इसको तो हम इतना तो कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा 2ab, फिर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको इस प्रकार बना सकते हैं, देखिए इसके तीन इस प्रकार के क्या डिब्बे आपको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर बी से स्टार्ट में बी का मतलब बी का मान ए है, मतलब बी का मान कितना, तो आपको सर एक है, कितना है एक है, यानी एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। फिर देखिए दो गुणे एक कितना, दो दो गुणे दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर। अब देखिए ए का मान कितना, तो आपको सर ए का मान है हमारे दो, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, इसको लिख सकते क्या है, 21 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 441 होता है, कितना होता है 441 होता है, यानी 210 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहोगे सर ये हो जाएगा 441 दो जीरो, यानी क्या हो जाएगा आपको 44,100 होता है, क्या 210 का स्क्वायर होता है हमारा 44,100 होता है। आगे चलते आप कहोगे सर पर बताइए 220 का स्क्वायर, देखिए 220 का स्क्वायर की बात करेंगे, दो जीरो थे लास्ट में, दो जीरो आना ही है। ठीक है, जिससे का आइकन जीरो दे रखा है, जीरो का स्क्वायर दो, दो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 22 का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। ठीक है, अब दो दूनी चार और दो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, यहाँ पर 22 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर, 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484, यानी 220 का जो स्क्वायर हो जाएगा 48,400 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपको सर 230 का बताइए, क्या 230 का स्क्वायर बताइए, हाँ सर बता रहे हैं, लास्ट में जीरो यानी दो जीरो आप यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर निकालो, यानी एक को बी माने, यानी क्या बी का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा, यानी 12 दो हाँ सर आ जाएंगे एक। ठीक है, 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 5, एक होता है हमारा 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, यानी क्या 52,900 का हमारा 230 का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं बात करेंगे 240 क्या 240 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए जीरो दे रखा है, लास्ट में दो जीरो लगाएंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हाँ सर आएंगे एक। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक कितना होता है 17, 17 के साथ हाँ सर आएगी एक, 4 कितना हो जाएगा 5, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि 240 का स्क्वायर होता है 500 कितना होता है 57,600 होता है। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, आप कहोगे सर अभी आपने कुछ नहीं बताया, जैसे हम बात करेंगे 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बताने सर 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441 होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484 होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 होता है, 25 के स्क्वायर की बात करें तो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको सर 625 होता है। इसको याद कर लिया, हाँ सर याद कर लिया। ठीक है, अब देखिए आपको 240 तक बता दिया, अब देखिए हम सीधे बात करेंगे 300 के टेबल पर जाएंगे। देखिए हम बात करेंगे 300 स्क्वायर कितना होता है आपको सर 300 स्क्वायर, फिर बात करेंगे हम 400 स्क्वायर कितना होता है, फिर हम बात करेंगे 500 का स्क्वायर कितना होता है, फिर हम बात करेंगे 600 का स्क्वायर कितना होता है, फिर हम बात करेंगे 700 का स्क्वायर कितना होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए आपको ट्रिक बताइए जल्दी से, ट्रिक हम बता रहे हैं दोस्त, बने रहिए मेरे भाई, बने रहिए टेंशन मत कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आप कहोगे सर यहाँ पर दो जीरो दे रखे हैं, दो जीरो का स्क्वायर करेंगे, नहीं आप कहोगे किसी भी संख्या को दो बार गुणा करेंगे कितना आएगा, दो का चार हो जाएंगे, तो पर देखिए सीधे आपको क्या करना, लास्ट में चार जीरो से डाल देना। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर 300 स्क्वायर कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। ठीक है,
400 नहीं, लास्ट में 4 0 आपको सीधे इस प्रकार लिख लेना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 500, नहीं लास्ट में 4 0 यहाँ पर इस प्रकार, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है सर। 600 का लास्ट में 4 0 भाई, 4 0 इस प्रकार लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, 4 0 हमने यहाँ पर लगा ली, और 6 का स्क्वायर 3600, ठीक है, सॉरी 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 700 नहीं लास्ट में 4 0, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49 भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 700 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 600 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर और 300 का स्क्वायर, क्लियर है मेरे भाई, एक बार बता देंगे, अगर क्लियर नहीं होता तो आप यहाँ पर क्या वीडियो को रोक सकते हो और एक बार फिर से देख सकते हो, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको टाइप 2 लेके आएंगे उसमें थोड़ा और आपको क्या है क्लियर से कर देंगे, ठीक है, क्लियर है दोस्त आपको सर, क्लियर। देखिए आगे चलते हैं, हमने 700 तक बात कर ली थी, अब बात करेंगे हम 800 का स्क्वायर कैसे निकाले, 800 स्क्वायर, फिर बात करेंगे हम 900 का स्क्वायर, ठीक है सर, फिर बात करेंगे हम 1000 का स्क्वायर, क्या है 1000 का स्क्वायर, ठीक है सर, क्लियर भाई आपको सर, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए 800 का स्क्वायर, 2 0 को 2 0 देखिए, डबल डबल का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 हो जाएंगे, लास्ट में 4 0, यहाँ पर भी 4 0, ठीक है भाई, 4 0 भूलना नहीं, ठीक है सर, 4 0, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है भाई, ये हमारा क्या हो जाए 900 का स्क्वायर, ये हमारा क्या 800 का स्क्वायर। अब 1000 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 3 0 दे रखा है, 3 0 का स्क्वायर करेंगे कितना, आपको 3 0 का स्क्वायर 3 बार क्या लिखना है, आपको 6 0 आ जाएंगे लास्ट में, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, ये हमारा क्या हो जाए, आप पूछ रहे हमारा 1000 का स्क्वायर हो जाए, क्लियर है। अब देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर, आप यहाँ पर बताइए कि एक, मतलब यहाँ पर आप लोग कहोगे मेरे दोस्त, क्या आप कहोगे, देखिए आप कहोगे मेरे भाई कि आप बताइए सर कि 910 का स्क्वायर कितना होता है, 910 का स्क्वायर की बात करें, लास्ट में 0 यानी 2 0 हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसको हम ए मान लेंगे, सॉरी इसको हम बी मान लेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, बी का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है सर, इसका करिए 9 9 2 18 18 की 8 हाँ से लाएंगे 1, और 81 कितना होता है आपको, 81 82, तो ये हो जाएगा हमारा 910 का स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर आप ये हाँ साल हैं कहाँ से कहाँ रख देते, देखिए यहाँ पर देखते रहिए मेरे भाई, बने रहिए एंड तक, देखिए बहुत मजा आने वाला है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर दिया है 91, के लिए 91 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है, पहले बी का निकालें, आपको इस प्रकार से 3 डिब्बे बना लेना, ठीक है, बी का स्क्वायर 1 होता है, ठीक, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इतना हो जाए कितना हो जाए आपको सर 9 9 दिन कितना 18 18 को इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, देखिए यहाँ पर 1 को 1 ही लेंगे, यहाँ पर 8 ले लेंगे, 1 इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 82, यही लिखा है आपको सर, यही लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली आपके होते हुए सर कोई दिक्कत हो सकती, नहीं हो सकती जीवन में, अगर हमारे होती आपको दिक्कत हो रही तो भाई फिर हमारा पढ़ाना भी बेकार, क्या दोस्त हमारा पढ़ाना भी बेकार, अगर आपको हमारे जो पढ़ा रहे हैं इससे दिक्कत हो रही है, ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं। 1000 तक की बात हो गई, आपको सर क्लियर है। अगर मैं दोस्त यहाँ पर बात करेंगे सर, आप कहोगे सर यहाँ पर बताइए कि 10000 का स्क्वायर कितना होता है, 10000 का स्क्वायर की बात करना है, हाँ सर बात करेंगे, 4 0 दे रखें, आपको 4 का दोगुना करेंगे कितना आएगा, 8 0 आ जाएंगे, कितना आ जाए दोस्त, आप कहोगे सर कितने हो गए, आपको 6 हो गए और 2 और आ जाएंगे 8, ठीक है भाई, कितने 2 कितने 3 3 6 2 8, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 10000 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी को दिक्कत मेरे भाई, 10000 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कह सकते 10000 का स्क्वायर इतना होता है। आगे चलते हैं दोस्त, आपको हम होमवर्क भी देते हैं, क्या होमवर्क भी दे देते हैं, देखिए तो मेरे दोस्त होमवर्क सभी लोग क्या करेंगे, इसको होमवर्क ले लीजिए मेरे दोस्त, आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। देखिए हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम 420 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करेंगे सर 520 का स्क्वायर कितना होता है, बात करेंगे सर कि 720 का स्क्वायर कितना होता है, बात करेंगे दोस्त कि 920 का स्क्वायर कितना होता है, इन चारों संख्याओं के आपको कमेंट बॉक्स में स्क्वायर बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। देखिए दोस्त तो आपको क्या है, आगे बढ़ने से पहले और क्लास खत्म होने करने से पहले आपको बता देते हैं कि इस क्लास के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको क्या है स्क्वायर की ट्रिक आपको टाइप बन कराया, क्या दोस्त आपको हमने टाइप बन कराया, अभी हमारे क्या स्क्वायर की ट्रिक खत्म नहीं हुई, जिसमें उनको बताया कि जिसका इकाई अंक है दोस्त, जिसका इकाई अंक क्या है, जिसका इकाई अंक 0 हो, क्या जिसका इकाई अंक 0 हो और क्या हो इसका इकाई मतलब 0 हो, उसमें क्या इस ट्रिक के द्वारा हम क्या महत्वपूर्ण संख्याओं का और अंकों का क्या है संख्या और अंकों का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए मेरे भाई अगर आप लोगों को यह वीडियो और यह क्लास अगर आपको पसंद आई है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने इस क्लास को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास क्या करना है क्लास को शेयर भी कर देना है। अगर अभी तक आप लोगों ने क्या कमेंट नहीं किया है मतलब क्लास के बारे में और ट्रिक के बारे में, ट्रिक कैसी लगी क्लास कैसी लगी, तो कमेंट जरूर करना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपने छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो आप लोगों को क्या करना है सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना है शेयर करना है और
क्या करना, जाने से पहले मेरे दोस्त आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स को जरूर बताना कि हमारी ट्रिक कैसी लगी और हमारे पढ़ाने का तरीके कैसे लगा है। और क्या कल का जो आपको टाइप टू लेके आने वाले हैं तो आप लोग का टाइप टू को देखना मत भूलो, उसको मिस मत करिए, क्योंकि उसमें और आपको ट्रिक बताने जिससे हम और आपको अंकों की क्या जो क्या स्कोर निकालने की ट्रिक और आप आसान तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो कल जरूर आना है। और आपको एक तीसरी क्लास करें उसमें भी आना है, तीन क्लास आपको करा देंगे। तीन क्लासों में तो आपको क्या एक से लेकर 10,000 तक स्कोर आपको इसी तरीके से याद कर लोगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब